ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन ने राजधानी दिल्ली में अपना 23वां एनुअल डे मनाया। इस मौके पर ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन के सदस्य एवं पदाधिकारी देश के अनेक राज्यों से शामिल रहे। आपको बता दें कि हिंदी राज्यों के साथ साथ गैर हिंदी राज्यों दक्षिण भारत में भी ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन के सदस्य भारी संख्या में हैं। संस्था बीते 23 वर्षों से कार डीलर्स के हितों की लड़ाई लड़ रही है। जीएसटी, ट्रेड सर्टिफिकेट जैसे मुद्दों के अलावा कार डीलर्स के अपने मामलों में भी संस्था मदद करती है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान से की गई। उन्नति के प्रतीक गुब्बारों को हवा में उड़ाकर खुशी जाहिर की गई। पिछले 23 साल से जो हम करते आए वो सबको मालूम है। हमारी एसोसिएशन पूरे पैन इंडिया में पूरे राष्ट्रीय स्तर की एक ही एसोसिएशन है, दूसरी को है भी नहीं। हमने हमेशा अपने मेंबरों की फायदे के लिए लड़ाई करी है। हमें अपने मेंबरों को जो फायदा हुआ वहाँ हमने सरकार से भी लड़े हैं, छोटी सरकारों से भी लड़े हैं, सेंट्रल सरकार से भी लड़ते रहे। देखो ऐसी कोई वजह नहीं है, पिछले 6-7 साल हम उनके साथ काम किया, अब वो सर्विस नहीं दे पा रहे थे। मेरे अपने मेंबरों को देखना, अपने परिवार को देखना, जो मेरे परिवार एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ है, मैंने उनके बारे में सोचना। स्पिनी में हमको ऐसा लगा कि स्पिनी वो पूरा कर सकती है। स्पिनी कंपनी के जो लोग हैं ईमानदार हैं, उनकी छवि अच्छी है, काम करने का तरीका है, जो हमारा टाइप हुआ पूरे मेंबरों की फेवर में जाएगा और उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी हमने कार 24 के साथ इन साल कराए, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है हमसे, लेकिन आज हम पूरे पैन इंडिया में जो मेरे सदस्य और मेंबर हैं वो स्पिनी कंपनी के साथ मिलकर काम करेंगे। मैं उनको पूरा आश्वासन दिलाता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो जीएस न्यूल उसके लिए पूरा जिम्मेदार है और पूरा ईमानदारी से काम होगा। अभी मेरी मीटिंग थी चेन्नई में, अभी बेंगलोर में थी, मैं जा नहीं पाया। पीछे मीटिंग थी कलकत्ता में, स्पिनी कंपनी के लोग गए थे, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और जो अच्छा रिस्पॉन्स देगा वो आएगा, जो अच्छा काम करेगा वो सामने खड़ा रहेगा, जो काम नहीं करेगा उसको हमने क्या करना है बताइए। मेरे घर में तो पैसा आना नहीं, जो भी फंड आएंगे एसोसिएशन के लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। सर हर साल भारी चीफ गेस्ट आ करते थे, इस बार आप क्या वजह? चीफ गेस्ट का ना आना, लोकसभा के चुनाव है, जो भी आएगा, यहाँ सभी पार्टियों के लोग हैं, कांग्रेस, आम पार्टी, बीजेपी, समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी। मैं नहीं चाहता है कोई कंट्रोवर्सी होती, लोग अपनी पार्टी की बात करते, हालांकि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं बुला सकता था किसी को भी, लेकिन मैंने फैसला किया पूरी गवर्निंग बॉडी ने, इस बार कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होगा। हमारी एसोसिएशन के लोग ही सब कुछ, सब चीफ गेस्ट हैं और सब गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, सारे सदस्यों को जो भी है उन्हें बात करनी वो करेंगे। सर 25 वर्ष भी लगभग आपके हो जाएंगे, 1 साल के बाद जो है, तो उसके ऊपर कोई स्पेशल कोई प्रोग्राम या कोई कुछ कहना चाहिए? वो वक्त पे आने में बताऊंगा, सरप्राइज है। जो 25वीं एनिवर्सरी पूरी होगी, 25 साल एसोसिएशन को पूरे हो जाएंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सबको बताएंगे और वो एक अलग ही नजारा होगा और वो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में लोग सुर्खियों में लिखेंगे उसको इन्हीं शब्दों के साथ। और कुछ पूछना चाहेंगे? संस्था का आने वाला योजना कुछ आप बताना चाहेंगे? अभी ट्रेड सर्टिफिकेट आ रहा है, उसके विषय में बातें हैं, वो लागू हो चुका था 2 अप्रैल 2023 में, अभी कई लोगों ने ले भी लिया और उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उसमें जीएसटी नंबर कम। इंडिया में ही काम करेगी, उसके बाहर एसोसिएशन इंडिया में काम करेगी, बाहर में हमारी कोई किसी दूसरी कंट्री में जाके कोई ऐसा मकसद नहीं है, हम अपने लोगों को संभालने, अपने लोगों के लिए काम करें वही बोल रहे हैं। अरुण जी 23 साल का सफर आपका, ऐसी कौन सी लगातार आप लड़ाई लड़ते रहे हैं कार डीलर एसोसिएशन लोगों के लिए? बहुत सारी चीजें होती हैं, सरकारें अपनी मनमानी करती हैं, भारत में सरकार ऐसी है, मैं इस मौके पर ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता था। किसान आंदोलन 1 साल रहा लगातार, 650 किसान शहीद हो गए, लेकिन हमने जो भी सरकार से मांग करी है प्रॉपर रियलिटी दिखा करके, सच्चाई दिखा करके, तो सरकार ने हमारी बात मानी है। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार बात नहीं मानती,
हमें विजन होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए, सब लोग काम करते हैं। संस्था की कोई और मांग जो है कि अभी जो काम सरकार से आप संस्था की मांग है, जो हमारा इंटरस्टेट और इंडस्ट्री का दर्जा बाकी है, आज 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन हम भी आज भी इंडस्ट्री का दर्जा नहीं, उसकी मेरी मांग रहेगी। 25 से पहले पहले मैं करूंगा, और उसके बाद मैं तो चाहता हूं कोई और भी संभालना चाहे संस्था को, मैं उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन जब तक प्रभु पिता परमात्मा ने जान दिया तब तक दिल से करूंगा और ईमानदारी से करूंगा। इस बार संस्था के साथ स्पाइन में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और iDot जैसी बड़े ब्रांड नजर आए। नहीं, सबसे पहले तो हम लोग काफ़ी थैंकफुल हैं JS नोएल जी का, जो प्रेसिडेंट है AICDA के, कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम इस एसोसिएशन से टाई अप करें। एंड इस टाई अप के थ्रू हम चाहते हैं कि हम जो ये एसोसिएशन है उसके मेंबर्स हैं, जो यूज्ड कार डीलर्स के डीलर्स हैं पैन इंडिया, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके बिजनेस के लिए हम लोग मिलके काम करें। तो जैसे सर ने हमें बताया था, राइट, तो जो भी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स हैं डीलर्स की, राइट, आजकल जो डीलर्स कार्स ले रहे हैं प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ पे काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं डीलर्स को। तो जो जो इश्यूज सर ने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग उन इश्यूज पे काम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि वो इश्यूज हमारे प्लेटफॉर्म पे डीलर्स को नहीं आए, राइट। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई भी सर्विस फी नहीं है डीलर्स के लिए, हम लोग कोई भी डीलर्स को पूरा कार फिजिकली चेक करके ही, वो लोग गाड़ी देख के पूरा तसल्ली से गाड़ी लेते हैं। तो हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि हम सब कुछ वैसी पॉलिसीज बनाएं जो डीलर्स के लिए बेनिफिशियल हो। पहले मैं नेवल साहब का शुक्रिया करूंगा कि हमारे 2 साल का एसोसिएशन इनके साथ चल रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी iDot टेक्नोलॉजी है, जो भारत सरकार ने 2019 में मैंडेटरी कर दी थी। इसका AIS 155 नोटिफिकेशन भी आ चुका है, और इसका 2019 दिसंबर में भारत सरकार ने GOB निकाल दिया है, माइक्रोडॉट टेक्नोलॉजी को गाड़ियों पे लगाने के लिए। ये एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जिसको लगाने के बाद गाड़ियों की चोरियां रुक जाती हैं, और इसकी वजह से जो डीलर्स के ऊपर एक रहता है कि भाई चोरी की गाड़ियां बिक रही हैं, वो एसोसिएशन के माध्यम से सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद इस माइक्रोडॉट्स को गाड़ी से हटाना नामुमकिन हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी आदमी गाड़ी की चोरी करके उसको रीबर्थ करके या उसके जाली कागज बना के या गाड़ी की आइडेंटिटी को चेंज करके किसी भी राज्य में कहीं पे भी नहीं बेच पाएगा। भव्य और आलिशान एनुअल डे में मंच संचालन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष लोकेश मुंजाल ने किया। कार्यक्रम के दौरान करीब 50 पत्रकारों को मंच से सम्मानित किया गया। संस्था की ओर से जुड़े सदस्य एवं पदाधिकारियों के परिवार वालों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें विशेष रूप से बच्चे भी शामिल रहे, और देश के अनेक राज्यों से लोग इसमें शामिल होकर इस कार्यक्रम की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। नई दिल्ली से सहयोगी किरण शर्मा के साथ गुलशन सैफी की रिपोर्ट।